Hello students, I'm Dr. Chitra Rekha Tiwari, Professor of Chemistry from SIRT College. So today's topic is EDTA method. So this method, also known as complexometric method, and I introduce what is complexometric method. EDTA जो है एक hard water को detect करने की एक method के लिए apply किया जाता है. इसे हम EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. सो जब हम टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस दोनों को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ वेरी बेस्ट मेथड. ये इसलिए भी अच्छी मेथड है क्योंकि हम इसके थ्रू आसानी से हार्डनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेरी और हार्डनेस और परमानेंट दोनों ही हार्डनेस को. मतलब टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है और अदर हैवी मेटल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट आफ्टर बॉइलिंग ये कार्बोनेट हार्डनेस में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाती है. परमानेंट हार्डनेस जो होती है ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है और साथ ही इसमें अदर हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे आयरन और एल्यूमिनियम सल्फेट इत्यादि. तो हम EDTA मेथड में EDTA का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि CH2CH मेथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इस स्ट्रक्चर में है. अगर हम इसके टाइट्रेशन या इसके प्रिंसिपल के थ्रू समझ लेते हैं इसके टाइट्रेशन को, क्योंकि हमें ये लैब में भी टाइट्रेशन के थ्रू भी करने को मिल अवेलेबल हो जाता है तो हम आसानी से वहाँ भी समझ सकते हैं. हम यहाँ पर एक इंटरनल इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसे एडियोक्रोम ब्लैक टी के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लू कलर डाई. एंड देन जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मीन्स हार्ड वाटर इट इज़ रेस विद द इरोक्रोम ब्लैक टी, सो दिस कन्वर्ट इन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इरोक्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स. दिस इज अनस्टेबल एंड वाइन रेड कलर हमको मिलता है. इसके बाद जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इरोक्रोम ब्लैक टी से रिएक्ट होकर एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जब ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है EDTA से रिएक्ट होता है तो इथिलीन डायमीन टेट्रासिटिक एसिड से रिएक्ट होता है तो ये कलरलेस कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है और इरोक्रोम ब्लैक टी स्काई ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें अवेलेबल हो जाता है प्रेसिपिटेटेड. इसे हम मतलब सेपरेट हो जाता है या फिल्टर ऑफ हो जाता है. अब हमारे पास है अमाउंट ऑफ EDTA जो यहाँ पर यूज होता है उसके थ्रू हम हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटेक्ट कर लेते हैं. एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन हमको कलर चेंज हो जाता है, वाइन रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस तरीके से हम ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है कि ये देखिए पहले वाइन रेड कलर है, ये वाइन रेड कलर पिंक कलर जो है कन्वर्ट इन टू ब्लू कलर. तो हम यहाँ पर इरोक्रोम ब्लैक टी को एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, यहाँ हम EDTA को एक चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह उसके बिहेवियर के कारण से यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम साथ में बफर सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं जो कि बफर का काम होता है pH को स्टेबल करना, मतलब pH जो है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है. थैंक यू सो मच.